उनकी तानाशाही के खिलाफ भीम आर्मी रोहतास जो है संविधान का पाठ पढ़ाने आई है। इस बात को समझ लीजिए कि 1970 और 75 में सीलिंग 8 के तहत बिहार सरकार के द्वारा मौजा बिलवैया और मौजा धर्मागतपुर के जो हमारे भूमिहीन भाई हैं उन सभी को ज़मीन मुहैया कराया गया था। 1990 में इन सभी लोगों को लाल कार्ड के माध्यम से ज़मीन दिया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक उस भूमि पे, वो भूमि तो नाम पे है इनके, लेकिन जो है उस पर दखल दहानी किसी और का है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ का जो ग्रामवासी है, जो भूमिहीन लोग हैं, वो सीओ साहब के पास जो है चक्कर कटा काट के जो है उनका चप्पल जो है खिया गया है, लेकिन सीओ साहब इतने अपने पद के अहंकार में जो है डूबे हुए हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको जो है दिखाई नहीं पड़ती है। तो उनकी उनको जो है उनके ड्यूटी का हम लोग जो है एहसास दिलाने आए हैं कि आपका ड्यूटी क्या है। और भीम आर्मी रोहतास आज़ाद समाज पार्टी उनको जो है संविधान का पाठ पढ़ाने आई है। और दिनारा अंचल में राशन कार्ड के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे, परिमार्जन के नाम पे दलालों के द्वारा 3,000-3,000 रुपया लेकर जो है ग्रामीण लोगों से बेवजह परेशान किया जा रहा है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं और ये लड़ाई आज आखिरी नहीं है। ये लड़ाई बस एक हम लोग यहाँ पर संदेश देने आए हैं सीओ साहब को, जो संबंधित जो हमारे यहाँ के SDM साहब हैं इस विक्रम अनुमंडल के, कि अगर हमारी तमाम मांगों पे अगर आप लोग अमल नहीं कीजिएगा तो ठीक आज से 15 दिन बाद रोहतास DM के मेन चैम्बर को हम ताला मारने का काम करेंगे और पूरे रोहतास ज़िले से हज़ारों की संख्या में जो भूमिहीन लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, वो ससुराल मुख्यालय में कुछ करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िला में विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़े नहीं, तो जो हमारी मांग है, जिस मांग को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इन सभी तमाम मांगों को जो है आपको अमल करना पड़ेगा, वरना भीम आर्मी रोहतास और आज़ाद समाज पार्टी जो है पूरे रोहतास ज़िले को जो है आगामी इसके बाद जो 15 दिन के बाद जो हम लोग जो है बंद करने का काम करेंगे। अभी तो सीओ साहब पे कार्रवाई हुई है, सीओ साहब पे कार्रवाई हुई है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इस मामले में जो है आरोपी हैं। तो भीम आर्मी रोहतास का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि उन पर FIR हो जाए, बल्कि जो अपने ड्यूटी में वो लापरवाही कर रहे हैं, जो हमारा भूमिहीन परिवार जो इतने साल से उनके कार्यालय का चक्कर काट रहा है, उन सभी तमाम मुद्दे पर जो है अगर सीओ साहब फिर से अमल नहीं करते हैं तो हम लोग भूमि राजस्व विभाग में माननीय मंत्री जी को और इस जिले की जो DM महोदया हैं उनको हम लोग जो है अल्टीमेटम देंगे। और ठीक आज से 15 दिन के बाद अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आप निश्चित तौर पर इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग जो है DM कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला मारने का काम करेंगे। अमित पासवान जिंदाबाद।